बचाओ बचाओ पंजाब बाली में रोटी पंजाब से महाराज जी बसाती है ना लौटने में, क्यों पंजाबी तो सब ऐसे लौटने बहुत मार जाते हैं, लेकिन इस समय में बनमार जी कहाँ चले गए? वो तो कहाँ चले गए? रावल निकल ही चले गए। महाराज जी बोले थे बंद हो जाएगा मंदिर 11:30 बजे। कौन से दर्शन? नहीं नहीं बजे बंद होता है रावल 11:30 बजे। नहीं नहीं बजे बंद होता है। जल्दी कर बोलो रमन रेती की। देखो अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, ये स्थान का नाम है रमन रेती। रमन मतलब होता है क्रीड़ा करना, रमन मतलब होता है बिहार करना, रमन मतलब होता है खेलना। इसलिए यहाँ पर कृष्ण कभी कुछ बोल सकते हैं, यहाँ पर कृष्ण कभी अपने सखाओं का साथ माइक दे दो, कभी कृष्ण अपना सखियों का साथ इसलिए कृष्ण कभी सखा सखियों के साथ में यहाँ पर खेला करते थे, इसलिए ये स्थान का नाम है रमन रेती। इसलिए रमन रेती एक नहीं, रमन रेती बहुत सारी है। अभी हम यहाँ वृंदावन में रह रहे हैं, वहाँ पर भी रमन रेती। कहाँ पर बताओ रमन रेती? इस्कॉन के पास, इस्कॉन का मंदिर का जो पीछे है वो भी रमन रेती है। इसलिए कृष्णा जहाँ जहाँ पर सखाओं के साथ में उन्होंने सखियों के साथ में उन्होंने रमन किया, खेला किया, इसलिए वो स्थान का नाम पड़ गया रमन रेती नाम पड़ गया। इसलिए यहाँ पर कृष्णा 3 साल 2 महीना तक यहीं पर रहे ये गोकुल में। इसलिए 3 महीना 2 साल के अंदर में कृष्ण सखाओं के साथ में कभी छोटी छोटी गोपियों के साथ में यहीं पर आकर खेला धुला यहीं पर करते थे, इसलिए इस स्थान का नाम पड़ गया रमन रेती। इसलिए जो ब्रज में जैसे कृष्णा इस संसार तो छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने एक तो गए और एक रूप में गए नहीं, एक रूप में है। इसलिए उन्होंने जगत में हमारी कल्याण के लिए कृष्णा केवल 3 चीज को छोड़कर गए। कितना चीज को? क्या क्या बोल दो? जमुना जी, कृष्णा हमारे कल्याण के लिए कृष्णा केवल उन्होंने 3 चीज को छोड़ कर गए। एक तो ये धाम छोड़ कर गए, और दूसरा चीज छोड़ कर गए यमुना पटरानी, और उन्होंने गंगा भी बताया वहाँ पर मानस गंगा भी है, और एक है श्री गिरिराज गोवर्धन। उन्होंने ये 3 चीज हमारे कल्याण करने के लिए उन्होंने जगत में छोड़ कर गए, उसमें एक है ये रमन रेती, तीनों में एक है ये रमन रेती। इसलिए कृष्ण यहाँ पर सखाओं के साथ में खेला धुला किया। एक दिन कृष्ण सखाओं के साथ में बच्चों के साथ में से बच्चे खेलते हैं ना, बचपन में कोई खेले हो? कौन कौन खेले धुला में? सब खेले हो। अब देखना एक समय कृष्ण क्या कर रहे थे, आप बच्चों को देखना, अपना प्यार रख कर उसके ऊपर में रेती रख लो, प्यार रख कर उसके ऊपर रेती रख लो और प्यार को निकाल दो, क्या हो जाएगा? घर बन जाएगा। एक समय कृष्ण सखाओं के साथ में ये खेल खेल रहे थे और उसके ऊपर में पत्ते लगा लेते थे, फूल लगा देते थे। कोई बोलता था ये मेरे किचन रूम है, कोई बोला ये डाइनिंग रूम है, कोई बोलता है ये हमारे बेडरूम है, ऐसे ऐसे कर रहे थे। देखा सखाओं ने अपना अपना 4-4, 5-5 घर बनाए। कृष्ण सोचा मैं भी 2-4 घर बना दूं। इतने में कृष्ण अपना प्यार को रखे और उसके ऊपर रेती को दे, और प्यार को जब निकालते ना वो धस जाता है। फिर प्यार रख करके फिर उसके ऊपर रेती रखते हैं, फिर कृष्ण जब नीचे करते हैं वो फिर धस जाता है। इतने में आकाश में देवता लोग, प्रभु का लीला है ना, ये देवता लोग भी आकाश मार्ग में आकर के देख रहे थे, देखो प्रभु का क्या विचित्र लीला है, जिनकी केवल एक इशारा में। इसलिए ब्रह्मा जी कहते ना, जस्य प्रभा प्रभवतो जगत दंड कोटि अनंत अशेष भूतम गोविंदं मादि पुरुषम तमहं भजामि। इसलिए कहते जिनकी केवल इशारा पर, जिनकी केवल एक इशारा पर एक ब्रह्मांड नहीं करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड सृष्टि स्थिति और प्रलय हो जाता है। आज देखो ठाकुर जी की कैसे अद्भुत लीला है ठाकुर जी की। ठाकुर जी रेती में 2-4 घर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी रेती में भी घर बना
नहीं पा रही, इसलिए सारे देवता लोग आकाश मार्ग से सबके सब देख देख करके आश्चर्य होते थे प्रभु जी का कैसे अद्भुत लीला है, हैं? एक दिन कृष्ण सखाओं के साथ में यही बल खेल रहे थे, वहां पर बन महाराज बोल रहे थे ना, जब कृष्ण श्रीराम को साथ में कुश्ती लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते क्या हुआ, श्रीराम ने कन्हैया को पछाड़ दिया, पछाड़ दिया तो इतने में जब पछाड़ दिया अभी कृष्ण नीचे लेटे हुए श्रीराम और श्रीराम भैया छाती के ऊपर बैठा हुआ, इतने में बोले कन्हैया मैंने तेरे को परास्त कर दिया, बोले कैसे परास्त कर दिया, बोले चीत कर देते ना पीठ अगर नीचे लग गया तो तुम हार गया, बोले तेरे को चीत कर दिए, बोले चीत तो कर दिया लेकिन नाक किसको ऊपर देख है, कृष्ण ऐसे लेटे हुए इसलिए उनका नाक ऊपर में और ऊपर में श्रीराम उनका नाक नीचे था, बोले हम कहते तेरा नाक नीचा कर दूंगा, हम कहते ना कभी कभी, इसलिए बोले किसका नाक नीचे बताओ, बोले तेरा नाक नीचे मेरा नाक तो ऊपर है, इसलिए मैंने कैसे जीत गया, मैंने कैसे हार गया, मैंने जीत लिया। इतने में वही बरस बैठा हुआ था दुर्भाषा ऋषि, इतने में कृष्ण वहां गए उनकी गोद में बैठ गए और दाढ़ी पकड़ कर बोले बाबा बताओ सही सही बताओ, झूठ बोलना नहीं, किसने हारा और कितने जीता। लेकिन दुर्भाषा ने खुद देखा कृष्ण हार गए, लेकिन दुर्भाषा सोच रहे कैसे ठाकुर बोल दू, कैसे ठाकुर जी हार गए मैं कैसे बोल सकता हूँ कैसे, इसलिए कृष्ण दाढ़ी पकड़े बोले बाबा सही बता, गलत नहीं बोलना, सही बता हारा किसने जीता किसने, वो तो चुप कुछ बोल नहीं पा रहे। तब बोले बाबा दाढ़ी पकड़े बोले बोलता नहीं क्यों, बोलना क्या क्या तू गूंगे हो। इतने में कृष्ण थोड़ा हंस दिए तो कृष्ण को अंदर में ही दुर्भाषा अंदर में चली गई, कृष्ण के पेट को अंदर में चली गई, जब अंदर में चले गए फिर उनको पेट भगवान का वहां देखा ना, भगवान गर्भों के अंदर में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड है, अभी दुर्भाषा अंदर में घूम रहा है, कृष्ण को पेट के अंदर में घूम रहा है सारा दुनिया, ऐसे कृष्ण के पेट में घूमते 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 फिर रमण रीति में आया। जब फिर रमण रीति में आया दुर्भाषा देख रहे हैं यही रमण रीति में फिर कृष्ण सुदामा एक कौन जो कृष्ण सुदामा बैठ करके यही पर उन्होंने फिर मल्ल युद्ध कर रहे हैं, फिर मल्ल युद्ध करते करते कृष्ण को श्रीराम ने फिर पछाड़ दिया, पछाड़ करके फिर जा करके बाबा की गोद में फिर बैठ गए, पेट में देख रहे हैं, बोले बाबा बताओ किसने हारा किसने जीता। वो तो बोले हे भगवान मैं क्या देख रहा हूँ, कृष्ण को पेट को अंदर विश्व ब्रह्मांड है, वो कुछ बोल नहीं पा रहे, बोले बता नहीं बताओ क्यों नहीं रहे बताओ ना। इतने में कृष्ण थोड़ा हंस दिया ना, वो जो उनको अंदर में चले गए थे फिर वो बाहर निकले आ गए बाहर, इसलिए यहीं पर कृष्ण गुरुदेव यहाँ आकर कथा सुनाते थे। इसलिए विशेष करके जो ब्रज का जो महत्व है कहते ना राधे तेरी चरण की ब्रज धूल जो मिली जाए, इसलिए जितने सब आते हैं ब्रज में क्या मांगते हैं, बोले हे राधा रानी हे कृष्ण आपकी ब्रज की हमें धूल ही हम मिल जाए, केवल एक चीज को प्रार्थना करते हैं। इसलिए उद्धव जी भी आए, जब उन्होंने गोपी प्रेम को राधा रानी के प्रेम को देखा उन्होंने क्या मांगे, आशा महो चरण रेणु जुसा महस्याम, क्या मेरा ऐसे सौभाग्य होगा ब्रज वृंदावन में घास बनकर के जन्म हो जाएगी, गोपियां जब कृष्ण को साथ में विहार करने जाएंगे चल कर तो जाना पड़ेगा, अगर हम घास बनकर के रहेंगे ना उनकी चरण की धूल हमें मिल जाएगी, कौन मांग रहे उद्धव। ब्रह्मा भी आए, ब्रह्मा भी ब्रज की महिमा को देखे हैं, फिर कृष्ण की महिमा को देख करके फिर उन्होंने कृष्ण की महिमा को देख करके ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, बोले तद भूरी भाग्यम यह जन्म किम अटव्याम जत गोकुलापि कंथमाग्र राजाभिषेक, बोले प्रभु क्या मेरे ऐसे सौभाग्य हो, बोले क्या चाहते हो बोलो, बोले ब्रज में कोई सखा सखी बनोगे, बोले नहीं नहीं हमारे इतना सौभाग्य नहीं सखा सखी, बोले कोई पशु पक्षी बन जाओगे, बोले यहाँ के पशु पक्षी कीड़े मकड़े भी साधारण नहीं, बोले फिर क्या चाहते, बोले ब्रज का बाहर में जहाँ पर छोटे जाति के लोग रहते हैं उनको घर को सामने पत्थर बन जाऊं, जब पत्थर बन करके जब आएंगे मेरे प्यार को पर मेरे सर को पर चरण रगड़ेंगे, अगर उनकी चरण धूल मिल जाएगा तो ब्रह्मा जैसे व्यक्ति कहते हैं हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, इसलिए ब्रह्मा भी चरण धूल मांगते हैं। इसलिए हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं भगवत भक्ति प्राप्त करने का सबसे सरल तीन उपाय, कितना उपाय है, क्या क्या बोलो, बोलो जोर से बोलो ना, भक्त पद धूलि और भक्त पद जल भक्त भुक्त शेष तीन आई साधन रे बल, कहते भगवत भक्ति प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है भक्तों का चरण धूल मिल जाए, भक्तों का चरणामृत मिल जाए और भक्तों का अधरामृत मिल जाए है, इसलिए हम संतों का चरण धूल लेते ना जाकर क्या करते हैं, संतों का चरण धूल लेते हैं एक करते ना, क्योंकि जो चरण धूली है उसके अंदर में सारे ताकत उसके अंदर है, सारी शक्ति उसके अंदर में। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं भगवत प्रेम प्राप्ति करने का सबसे सरल उपाय है संतों का चरण धूली, और ये क्या है, किसका चरण धूली है,
ये राधा रानी की, ब्रज गोपियों की, नंद बाबा की, मैया जसोदा की, ताम वसुदा मिश्रदा का, ये क्या है? चरण धूलि है, ये चरण धूलि। कहते भक्तों का चरण धूलि में इतने शक्ति है, कहते साधारण व्यक्ति की बात छोड़ दो, देखो कृष्ण क्या कहते हैं, कहते अनुब्रजामी अहंग नित्यंग पुए एत अंघ्री रेणु भी, मैं भी भक्तों को पीछे पीछे चलता हूँ। बोले भक्तों को पीछे पीछे क्यों चलते हो? बोले भक्तों का चरण धूलि लेने के लिए। बोले क्या, किस लिए चरण धूलि? बोले पुए एत, पुए एत मतलब कृष्ण खुद कहते हैं मैं पवित्र बनने के लिए संतों का, भक्तों का चरण धूलि लेना चाहता हूँ। लेकिन अगर किसी संतों का चरण धूलि लू, बोले क्यों उनका चरण धूलि लेना चाहते हो? बोले पुए एत मतलब पवित्र बनने के लिए। किसने कहा आप, क्या प्रभु आप अपवित्र हो गए? बोले हाँ मैं अपवित्र हो गया। बोले अपवित्र कैसे हो गए? भगवान कहते हैं भक्त लोग मेरी सेवा करते हैं, सेवा जब करते मैं बोलता हूँ भैया कुछ चाहे बताओ, धन दौलत पुत्र परिवार चाहते हो, लेकिन भक्त क्या कहते हैं? कहते हैं न धनम न जनम न सुंदरी न कविता वा जगदीश काम है, हमें धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। बोले क्या? बोले आपकी चरण की हमें सेवा चाहिए। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी सेवा करते रहे, अगर आप बोलो कुछ देने के लिए, अगर फिर मांगते हैं आपकी सेवा दो, बताओ फिर हम ऋणी बन नहीं बन जाएंगे? इसलिए कृष्ण कहते हैं इनसे ऋणी 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 लेते 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 मैं एकदम ऋणी ग्रस्त हो गया। अब चाहता हूँ ऋणी से उऋणी होने के लिए, उऋणी कैसे हूँ? मेरे को तो मेरे से तो कुछ भक्त लेते नहीं, मेरे सेवा चाहते हैं, इसलिए चाहता हूँ इनके चरण धूलि अगर पड़ जाए ना मैं पवित्र हो जाऊँ। अगर किसी भक्तों को बोलो अगर चरण धूलि दो, कोई भक्त भगवान को चरण धूलि देगा क्या? कोई नहीं देगा। इसलिए भगवान कहते मैं उसको पीछे पीछे चलता हूँ, क्योंकि जब चलेंगे धूल तो उड़ेगा, जब धूल उड़ेगा जब सर पर पड़ेगा ना मैं पवित्र बन जाऊंगा। इसलिए भगवान भी भक्तों का चरण धूलि के लिए काम आए, इतने भक्तों की चरण धूलि की इतने महिमा है। बोले क्यों चरण धूलि चाहते हैं? बोले कारण है नरोत्तम दास ठाकुर कहते ना कृष्ण विषय विग्रह, कृष्ण और भक्त आश्रय विग्रह, लेकिन आश्रय विग्रह राधा रानी। कहते राधा रानी को जितने प्रेम की आस्वादन है, मेरे को जितने आनंद है, उससे करोड़ों गुण ज्यादा आनंद राधा रानी को मिलता है। हैं? अभी मैं चाहता हूँ मैं राधा जी की भाव अंग कांति लेकर के जाऊं, हैं? लेकिन भक्ति मिलेगी कैसे? बोले भक्ति मिलेगी कैसे? बोले भक्तों की चरण धूलि से, और भक्तों में सबसे बड़ा ब्रजवासी भक्त है, इसलिए कहते अगर इनकी चरण धूलि अगर लूंगा तो मेरे को भक्ति मिलेगी, और भक्ति के द्वारा भक्तों लोग मेरे रस का आस्वादन कर सकते हैं, इसलिए भक्तों का चरण धूलि लेना चाहता हूँ। इसलिए जो धूला है ब्रज में कहते हैं ये धूला नहीं धूलि नहीं गोपी पद रेणु जे रेणु मेखेचिलो नंद बेटार कानू, इसलिए कहते हैं यहाँ धूला धूल नहीं, ये ब्रजवासियों का चरण धूलि है। इसलिए कृष्ण को जब बुखार सर दर्द हुआ है, जिस समय नारद जी ने पूछा प्रभु जगत में कोई आपके सबसे बड़े भक्त है कौन बताओ, बोले समय आने पर बताऊंगा। कृष्ण सर दर्द बुखार की लीला की, बोले भक्तों का चरण धूल से सही होगा, कोई दिया नहीं। लेकिन नारद जब ब्रज में आए तब ब्रजवासियों ने चरण धूल दिया, नारद जी का बोले बाबरे है गयो, तुमको पता नहीं कृष्ण भगवान चरण धूल देकर क्या नरक जाओगे? बोले एक जन्म नहीं करोड़ों काल के लिए जाने के लिए तैयारी, लेकिन कृष्ण का दुख नहीं देख सकते हैं। इसलिए ब्रज यहीं से नारद जी यहीं से धूल उन्होंने अपना सर पर रख करके पोटली बांध कर द्वारका लेकर गए, कृष्ण को अभिषेक हुआ। इसलिए जो तिलक आता है ना ये पृथ्वी में और कहीं ऐसे रंग नहीं मिलेगा, ऐसे कीचड़ जैसे नहीं मिलेगा, वो केवल द्वारका से मिलता है, और वहीं पर कृष्ण स्नान कराया गया, वही धूल ही यहाँ पर आता है जो हम तिलक लगाते हैं, यही का धूल है। कुछ तो धूल वहां पर चला गया लेकिन कुछ बच गया, फिर नारद जी क्या किए, गए और वो धूल को लेकर नवद्वीप में छोड़ दिया। कभी जब नवद्वीप धाम है ना, वो नवद्वीप धाम नहीं, ये ब्रजरज जो कुछ लेकर गए थे द्वारका में दिया, और वही ब्रज बच्चा हुआ उन्होंने नवद्वीप में डाले, तो वही क्या बन गया, नवद्वीप धाम बन गए। और वहीं पर श्री सचिनंदन गौर हरि श्री महाप्रभु का रूप में वहीं पर आए। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की, रमण रेति की। इसलिए रसखंड कहते रमण रेति लेट नहीं कियो ना जमुना पान। ब्रज में आकर दो काम करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए? रमण रेति लोट पोट खानी चाहिए और यमुना में स्नान करनी चाहिए। अगर ये दो चीज नहीं करोगे ना, बोले भैया कभी ब्रज रस को तो नहीं समझ सकते, सब लोट पोट खाओ जाओ, सो जाओ। प्रभु के घर बने, अब खोलोगे वृंदावन में घर बनेगा। हाँ यहाँ पर सबके सब लोट, हाँ सब लोट बोलो खा दो, जल्दी जल्दी चलो दे, हरी हरी ए सो जाओ, सबके सब लेट जाओ, लेट करके लोट बोट खानी चाहिए। रमण रहती लेट होने।